नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है स्पेशल शो भारत के अनमोल रत्न, जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तान। भारत के अनमोल रत्न की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट उमखोंतो बेजिसिज़्वे के अध्यक्ष रहे। रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रॉबिन द्वीप के कारागार में बिताए, जहां उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा था। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को मवेजो ईस्टर्न केप दक्षिण अफ्रीका संघ में गेडला हेनरी मफोकेनिस्बा और उनकी तीसरी पत्नी नेक्यूफी नोस्केनी के यहाँ हुआ था। वे अपनी माँ नोस्केनी के प्रथम और पिता की सभी संतानों में 13 भाइयों में तीसरे थे। मंडेला के पिता हेनरी मवेजो कस्बे के जनजाति सरदार थे। स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहते थे, जिससे उन्हें अपना उपनाम मिला। 1941 में मंडेला जोहान्सबर्ग चले गए, जहां उनकी मुलाकात वाल्टर सिसुलु और वाल्टर एल्बर्टाइन से हुई। इन दोनों में राजनीतिक रूप से मंडेला को बहुत प्रभावित किया। जीवन यापन के लिए वे कानूनी फर्म में क्लर्क बन गए, परंतु धीरे धीरे उनकी सक्रियता राजनीति में बढ़ती चली गई। रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1944 में वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसने रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन चला रखा था। इसी वर्ष उन्होंने अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ मिलकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना की। 1947 में वे लीग के सचिव चुने गए। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद रहित चुनाव हुए। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 62% मत उनको प्राप्त किए हुए और बहुमत के साथ उनकी सरकार बनी। 10 मई 1994 को मंडेला अपने देश के सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। 10 मई 1994 को अश्वेतों के लिए दक्षिण अफ्रीका की उस भूमि पर नेल्सन मंडेला ने अपनी जनता को संबोधित करते हुए कहा, आखिरकार हमने अपने राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त कर ही लिया। हम अपने आप से वादा करें कि हम अपने सभी लोगों को आजादी देंगे, गरीबों से, मुश्किलों से, तकलीफों से, लिंगभेद से और किसी भी तरह के शोषण से, और कभी भी इस खूबसूरत धरती पर एक दूसरे के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता का लुफ्त उठाइए, ईश्वर अफ्रीका पर अपनी कृपा बनाए रखे। नेल्सन मंडेला बहुत हद तक महात्मा गांधी की तरह अहिंसक मार्ग के समर्थक थे। उन्होंने गांधी को प्रेरणा स्रोत माना था और उनके अहिंसा का पाठ उनसे सीखा था। 1990 में भारत सरकार की ओर से नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अपने इस उत्कृष्ट कार्य के लिए ही 1993 में नेल्सन मंडेला और डी क्लार्क दोनों को संयुक्त रूप से शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। 5 दिसंबर 2013 को फेफड़ों में संक्रमण हो जाने के कारण मंडेला की हॉटन जोहान्सबर्ग स्थित अपने घर में मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वे 95 वर्ष के थे और उनका पूरा परिवार उस समय उनके साथ था। उनकी मृत्यु की घोषणा राष्ट्रपति जेकब जुमा ने की थी। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में। धन्यवाद।